अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज मर्सिडीज का लोगो बनाएंगे इलस्ट्रेटर पे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये शेप्स के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से आपने इलिप्स टूल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और आपने एक अदद सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो फिल है ये जो चीज़ है इसको नन कर देना है और जो इसका स्ट्रोक है ठीक है उसे हमने लेना है। किस पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पहले से सेलेक्ट है, आपने ग्रेडियंट्स पे जाना है। यहाँ ऑप्शन आ रहे होते हैं व्हाइट ब्लैक ऑरेंज येलो, तो आपने व्हाइट ब्लैक पे लेना है ठीक है। और इसका स्ट्रोक जो है इसके लिए नन हमने कर दिया ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है अगर आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा सकते हो, ऐसे 3 कर लो ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा इसको कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल एफ कर लो तो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसके फ्रंट पे ठीक है। फिर शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इसको रिसाइज से थोड़ा सा छोटा करना है, लाइक इतना ठीक है। और उसके बाद भी इस पर यही सेम कलर अप्लाई करना है, यानी इस पे स्ट्रोक इस पर ये नन कर देना है, ये सेम स्ट्रोक है लेकिन इसको क्या कर देना है, यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन आ रहा होता है ये, तो आपने इसको रिवर्स कर देना है। यहाँ से पहले हम इसको रिवर्स कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको नन कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये आपका इतना से रिवर्स हो गया तो ये इसका एक वो सर्कल बन गया ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ग्रुप कर देते हैं ठीक हो गया। उसके बाद आप इसे साइड पे कर दो। अब हमें बनाना है इसका ये वाला जो पार्ट होता है, आपने क्या करना है दोबारा शेप्स के ऑप्शन पे जाना है और पॉलीगन टूल सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। और पॉलीगन टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे ट्वीट कर लेना है ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करो, या तो आप इसके एंकर पॉइंट खत्म कर दो या फिर आप सिलेक्ट करते हुए ही यहाँ पे इसे साइड आ रहे हैं, आप इसे 3 साइड कर दो तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ठीक है। और अगर आपको वैसे दूसरे तरीके से करना है तो ये एंकर पॉइंट जो है यहाँ पे आते डायरेक्ट एंकर पॉइंट, इससे क्या होता है आपके एंकर पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब जो इसका स्ट्रोक है ना वो हमने लेना है यहाँ सिल्वर कलर में, ये वाला ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है वो हम वन पे रखेंगे ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, मैंने आपको बताने के लिए समझाया था ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको पतला कर लेंगे, यानी इसके साइज को थोड़ा सा चेंज करेंगे ठीक है। अब आपने इसको इस तरह कर लिया, इसको आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रोटेट करना है, रोटेट पे 120 डिग्री करके कॉपी ले लेनी है ठीक है। और उसको इस तरह इस पर इंटरसेक्ट करके लगा देना है, सिमिलरली दोबारा से ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रोटेट पे जाना है। अब 120 का अपोजिट क्या होगा, मतलब 120 प्लस 120 अगर हम करें तो वो 240 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे आमने सामने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर इंटर नहीं करना, आपने कॉपी करना है, इंटर करने पर वो जो आपकी चीज़ है उसी को वो रोटेट कर देगा। तो हमने इसे 240 करके कॉपी कर लिया ठीक है। इसको मैं यहाँ से इंटरसेक्ट कर देती हूँ ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम लाइन सेगमेंट पे जाएंगे, लाइन वाला टूल लेंगे और इसके ये एंकर से इसको यहाँ जाके मिलाएंगे, एंकर पॉइंट से। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके एंकर से इसको यहाँ टच करवाएंगे और दोबारा से सेम प्रोसेस ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको पूरी को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पाथ फाइंडर आ रहा है, यहाँ जाएंगे पाथ फाइंडर में डिवाइड पे, आपने डिवाइड किया तो अभी देखो मिडिल पोर्शन जो है वो गायब हो गया ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इस लाइन को यहाँ से यू सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे लेके आ जाना है ठीक है, ये यहाँ पे मिडिल में इस तरीके से। फिर उसके बाद सिमिलरली आपने ये दो पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करवा देना है इसके साथ, और यहाँ से भी इसको सेम ऐसे ही इंटरसेक्ट करवा देना है ठीक है। ये आपका इंटरसेक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा लाइन में करें, ये हो चुका आपका सिलेक्ट पूरा ठीक है, आपका शेप अभी कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अभी इसको अनग्रुप ही रखना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ भी अनग्रुप ही है ठीक है। अनग्रुप होने से क्या होता है, दोबारा अब मैं इसमें कलर मुझे इंडिविजुअल फिल करना है ठीक है। अनग्रुप किया, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ मुझे इसके अंदर क्या कलर फिल करना है, अगर ये वाला तो मुझे इसका रिवर्स चाहिए इस तरीके से ठीक है, यानी यहाँ पे हल्का सा ब्लैक शेड आया, यहाँ सिल्वर, और यहाँ पे मुझे चाहिए नीचे वाले में ये कलर लेकिन रिवर्स के साथ, क्योंकि मुझे इस साइड पे थोड़ा सा ब्लैक चाहिए, और ब्लैक को थोड़ा सा हम हल्का करने की कोशिश अगर करें तो ऐसे ठीक है, इस तरीके से सेम कलर हम इसमें भी फिल करेंगे इसी तरीके से ठीक है। और ऊपर वाले में इसका रिवर्स कर देंगे ठीक है, और थोड़ा सा वाइट में ऐसे लाएंगे और ऊपर वाले में भी इस तरीके से ठीक है। आप इसके कलर्स को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको अपने सर्कल, इसको हम सबसे पहले तो ग्रुप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए, हमारी चीज़ ग्रुप में आ चुकी है, छोटा कर लो और इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक आपने रेक्टेंगल ले लेना है ठीक है, और उसको इतना कवर कर देना है पूरा। इसका जो फिल है उसे हम ब्लैक कर देंगे और स्ट्रोक को भी ब्लैक कर दो ठीक है। अब इसके ऊपर हम जाएंगे अरेंज पे, और अरेंज में सेंड टू बैक ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ से लॉक, लॉक पे से सिलेक्शन वाली जो हमने चीज़ सेलेक्ट की है ठीक है। और इसको इन सबको आपस में हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं ताकि आपस में अब हम इसे मूव करें तो ये हिलेगा एक दूसरे की जगह से, तो ये आपका मर्सिडीज का लोगो इस तरीके से जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी तरह से पे जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसानी से आपको चूज समझ आना चाहिए कि कौन सा कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।